जी नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं लेकर आया हूँ बर्दर का प्रिंटर, अपने पास आया है। बर्दर का मॉडल नंबर होता है HL-L2321D मॉडल जो होता है ना, इसमें एक बहुत जनरल एरर आता है। एरर क्या आता है, देखिए मैं प्रिंटर चालू कर रहा हूँ। प्रिंटर अपना चालू हो रहा है। ये इसमें देखिए ड्रम में लाइट जल रही है, ठीक है। अब ड्रम में लाइट जल रही है, इसके कई कारण होते हैं। इसको क्या होता है कि बर्दर प्रिंटर में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ये होती है कि जब आप बहुत बार रिफिलिंग कराते रहते हो तो बर्दर में वो काउंट करता रहता है और रीसेट मोड में आ जाता है, ठीक है। तो इस लाइट का जलने का मतलब ये है कि आप इसको रीसेट करो, और रीसेट करने से पहले आप पहले ड्रम भी चेक कर लो कि आपके प्रिंटर में जो ड्रम है वो उसकी लाइफ है कि नहीं है, सही है कि नहीं है ना। तो उसको पहले आपको चेक कर लेना है, देख लेना है कि देखो ड्रम आपका ठीक है कि नहीं है ना। इसका मैं पहले ड्रम चेक कर लेते हैं अपन, फिर इसको रीसेट करेंगे। देखिए ड्रम ठीक है, ड्रम में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, क्योंकि कम चला हुआ है। देखिए मगर फिर भी यहाँ पे देखें लाइनिंग आ चुकी है इसमें, है ना। ड्रम चेंज करने का वैसे कंडीशन तो है इसमें, है ना, मगर अभी अपन इसमें चलो ड्रम चेंज नहीं करते। पहले बिना ड्रम चेंज किए अपन पहले एक प्रिंट निकाल के देखते हैं। तो प्रिंट निकालने के पहले अपने को प्रिंटर को रीसेट करना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट निकलेगा, नहीं तो प्रिंट नहीं निकलेगा, है ना। चेक कर लेते हैं। तो आपको अब इसको रीसेट करना है, तो रीसेट कैसे करेंगे बता दे रहा हूं मैं अभी आपको। ये ड्रम का एरर आएगा, ये एरर आएगा, सामने का ओपन ढक्कन ओपन कर लेना है, और गो वाले बटन को, जो ग्रीन कलर का बटन है, गो वाले बटन को इसको आपको 4 सेकंड के लिए दबा के रखना है। जब ये पूरी लाइटें जल जाएंगी तब आपको बटन को छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद फिर से इसको आपको ढक्कन लगा देना है। कहते हैं रीसेट नहीं हुआ, तो रीसेट ना होने का कारण ये भी है कि देखिए इसमें एक कोरोना वायर होती है ना, यहाँ एक पतली सी वायर जाती है, उस वायर को आपको कॉटन से साफ कर लेना है, ठीक है। तो कॉटन से या कपड़े से साफ कर लेंगे अभी अपन, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं लगा के कि ये प्रिंटर रीसेट क्यों नहीं हो रहा है ना, ड्रम का एरर आ ही रहा है ये, ठीक है। इसको भी अपन साफ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी साफ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो यदि आपका ड्रम कम चला हुआ है तो ये दिया हुआ है क्लीनिंग करने के लिए कोरोना वायर, है ना। तो आप इसको दो तीन बार कर दो ऐसे ऐसे क्लीन, ठीक है। ये क्लीन करने के बाद इसको साइड पे पूरा लॉक कर दो। लॉक करने के बाद ड्रम की भी देख लो कंडीशन, थोड़ा सा ड्रम को भी कपड़े से साफ कर दो, ग्लोवर मार दो, अभी जैसे मैंने इसमें हवा मार दिया है, ठीक है। अपन अब इसमें लगाते हैं कॉटरेज। कॉटरेज लगाने के बाद अब अपन चेक करते हैं कि क्या है ना। लगाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, यदि प्रिंटर में ड्रम का एरर आता है तो ड्रम का एरर आने का मतलब ये होता है या आपकी ये ड्रम यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है, या ड्रम खराब हो गया है, या ड्रम के ऊपर जो कोरोना वायर होती है पतली सी, या वो खराब हो गई है ना। उसकी भी एक लाइफ होती है, क्योंकि ड्रम बर्दर के प्रिंटर में PCI या रोलर नहीं होता है, तो ये कोरोना ही वायर बहुत उसका काम करती है ना। तो आपको ये चेक कर लेना है, ठीक। अब अपन जैसे कॉटेज लगा दिए, ऐसा नहीं कि ड्रम एरर आ गया तो बस आपको रीसेट ही करना है ना। हर चीज़ का एक टाइम होता है, पहले आपको हर चीज़ चेक कर लेनी है, पहले कॉटरेज अच्छे से चेक कर लेनी है कि कॉटरेज में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। ये देखिए अभी जैसे मैंने कॉटरेज लगाया, साफ करके अच्छे से सब कुछ क्लीन करके, ये मेरा एरर ख़त्म हो गया, प्रिंटर रेडी मोड में आ गया है ना। अब मैंने 2 बार कोशिश की थी रीसेट करने की, तो रीसेट नहीं हो रहा था, वो रीसेट हो रहा था मगर ये एरर नहीं जा रहा था, है ना। तो सबसे पहले आपको कॉटेज पूरा अच्छे से चेक कर लेना है ना, फिर रीसेट करना है। पहले कॉटेज चेक कर लो, ड्रम चेक कर लो, कोरोना वायर अच्छे से साफ कर लो, फिर कॉटेज लगा के देखो एरर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा तो एक बार आप रीसेट कर लो। रीसेट करने का मैंने आपको बताया है, ये ढक्कन आपको ओपन कर लेना है, गो वाला बटन आपको 4 सेकंड के लिए दबा के रखना है, बस फिर ये आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये ढक्कन को फिर से बंद कर देना है, प्रिंटर वार्म अप करेगा,
और रेडी वाली लाइट आपकी लगातार जलने लग जाएगी, एरर खत्म हो जाएगी। देखिए वॉर्म किया, ये अभी वार्म अप हो रहा है, ये देखिए प्रिंटर आपका रेडी हो गया और ड्रम भी रीसेट हो गया। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे।